आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिले महाराज। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है, और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार के दिन, जो आने वाली है बुधवार के दिन, महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर, इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना, बड़े प्रेम से चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर, कामना कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए, वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापिस पूजन कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदी।